लघु उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का 13वां वार्षिक स्थापना दिवस गुलजारीमल धर्मशाला मुरादाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल महापौर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर व्यापारिक गतिविधियों को संजोए स्वाभिमान स्मारिका का विमोचन संपादक प्रतीक गोयल के साथ मुख्य अतिथि ने किया। कार्यक्रम में जहूर मलिक ने अपनी आवाज के जादू से उपस्थित मेहमानों का दिल जीत लिया। सांस्कृतिक झलकियों को प्रस्तुत करते हुए बच्चों ने नृत्य पेश किया। लघु उद्योग व्यापार मंडल की ओर से महानगर के व्यापारियों को शॉल उड़ाकर सम्मान भी दिया गया और महिलाएं भी कार्यक्रम की हिस्सा बनी। महानगर में व्यापारी जनता के बीच आ रही समस्याओं पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और 10 सूत्रीय मांग पत्र महापौर को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में व्यापारियों का आह्वान किया कि अपनी भलाई के लिए और अपने हित के नियम कानूनों के लिए आवाज बुलंद करनी होगी, तभी व्यापारियों का हित होगा। व्यापारी ही आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। पिछली सरकार में फ्री 5000 ई रिक्शा बांट दी गई। ये शहर 400 साल पुराना है। 700 रिक्शाओं के लाइसेंस दिए थे। हमारे इससे पहले जो मंत्री थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कहा भाई ये सब गरीब लोग हैं, इन्हें सबको फ्री रिक्शा दी जाएंगी। कोई लाइसेंस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। 700 रिक्शा की जगह 10,000 रिक्शाएं चल रही हैं अभी। कितनी? 10,000। तो भाई साहब ये 9,300 रिक्शा कहां पे भेजनी है, बोलो। हाँ, हाथ उठाओ भैया, कौन कौन तैयार है? ठीक, बस मेरे में 4 गुना ताकत मिल गई आपकी, आपके कार्य को आपके मैं पूरा कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी एकता, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने महापौर विनोद अग्रवाल जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से निकालकर हमारे 13वें वार्षिक अधिवेशन में आकर हमारी शिरकत करी और इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन किया गया और उन्होंने अपने शब्दों में स्वाभिमान शब्द को सर्वोपरि बताया कि जिंदगी उसी का नाम है जो स्वाभिमान के साथ जिए। और मैं तो व्यापारियों से यही कहना चाहूँगा कि वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को हमारे मंच तक लाएं और हम शासन तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारे व्यापारी समाज का भला हो सके।